वो कहते हैं ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। ये कहावत तो हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं और जितना हो सका है उतना उस कहावत से सीखे हैं। लेकिन हम तो सीख गए, लेकिन नहीं सीखे तो बिहार की सत्ता पर 15 साल तक काबिज रहने वाले लालू परिवार। वैसे तो गरीबों का मसीहा MY समीकरण के जनक कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव तो राजनीतिक बिसात के बिछाने में PhD कर रखी है, लेकिन उनके छोटे लाल तेजस्वी यादव को राजनीति का प्रयोगशाला कहे जाने वाले बिहार की राजनीति का कखारा अभी तक सीखना बाकी है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनावी साल कहे जाने 2024 की शुरुआत के साथ ही जहां एक तरफ वो BJP को बिहार की जमीन से उकार फेंकने का दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही आंखों के सामने उनके मुंह बोले चाचा नीतीश ने दूसरी बार उनको सत्ता से ही आउट कर दिया है। भले ही ये बातें कड़वी है, लेकिन सच तो ये है कि बिहार के इतिहास में CM का बेटा CM नहीं बना है, और इस इतिहास को बदलने की ताकत तेजस्वी में कितनी है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे तो बिहार की राजनीति में आया सियासी भूचाल अब थम चुका है, लेकिन इस समय में बिहार में नए सियासी तूफान की आने से पहले का सन्नाटा पसरा हुआ है। जी हाँ, आगामी 27 फरवरी को 6 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने को है। ऐसे में BJP से 2, JDU से 1 और RJD से 2 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इस बार की लगातार दूसरी बार दिवंगत बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से किनारा करते हुए जहां तेजस्वी यादव ने अपने फर्स्ट फ्रेंड फिलोसफर और अपने राजनीतिक गाइड को राज्यसभा भेजा है, तो वहीं कभी उनके पिता के राइट हैंड कहे जाने वाले सिवान से दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी से कन्नी काट ली है। आपको बता दें कि हिना शहाब वही RJD महिला नेत्री हैं जिनके पति ने लालू तेजस्वी की पार्टी RJD को बनाने में अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। लेकिन मौका परस्त पिता पुत्र और उनकी पार्टी ने अब अपनी औकात तो दिखा ही दी है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहने वालों को लगातार दूसरी बार निराश होना पड़ा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम समर्थकों के पेट में जिस तरीके से RJD ने छुरा मारा है उसका बदला अल्पसंख्यक समाज 2024 लोकसभा और 25 विधानसभा चुनाव में लेगी। जानकारों का मानना है कि उस बार बिहार से तेजस्वी यादव की पार्टी RJD का सुपरा साफ होना तो तय है, क्योंकि जिस तरीके से शहाबुद्दीन ने अपने खून पसीने से RJD को सींचा है उसके इनाम में उनकी पत्नी को साइट कर अपने निजी सहायक या यूं कहें तो अपने दोस्त को राज्यसभा का टिकट देना तेजस्वी यादव को आगामी चुनाव में भारी पड़ेगा। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर भी संजय यादव उनका काम देखते हैं, मगर सलाहकार से ज्यादा वो तेजस्वी के जिगरी दोस्त हैं, सबसे बड़े राजदार हैं, टीनेज के जमाने के दोस्त हैं, दोनों अभी भी अपनी दांत कट्टी दोस्ती को निभाते चलते हैं। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ जो समय के साथ फ्रेंडशिप में बदली और मैच्योर होती चली गई। वैसे तो संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, मगर ज्यादातर वक्त वो पटना में ही रहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि संजय यादव की तेजस्वी यादव से पहली मुलाकात IPL के दौरान हुई थी। तब दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए तेजस्वी यादव खेला करते थे। मोबाइल नंबर लेन देन के बाद आ गई जब लालू यादव ने वारिस के तौर पर तेजस्वी को प्रमोट करना शुरू कर तो उनके हम उम्र दोस्त की कमी खलने लगी। दिन भर अपने से ज्यादा उम्र के लोगों को डील करना तेजस्वी को बोर करता था। फिर उन्होंने संजय यादव को पटना बुला लिया, और तब संजय यादव एक IT कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव के कहने पर संजय यादव ने नौकरी छोड़कर राजनीतिक काम में लग गए। लेकिन तेजस्वी यादव यानी अगर यूं कहे तो राजद ने शहाबुद्दीन की पत्नी, जी हां दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी साहब को टिकट ना देकर एक बार अपनी फरसे
से औकात दिखा दिए, क्योंकि लगातार जब से संजय यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, लगातार ट्विटर पर भी शहाबुद्दीन के समर्थक यानी उनके चाहने वाले लगातार ट्विटर पर हैशटैग लगाकर ट्रेंड करा रहे थे कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को आखिर राजद ने टिकट प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए क्यों नहीं दिया। ऐसे में तेजस्वी यादव ने संजय यादव को अपनी टिकट देकर अपनी और राजद की औकात तो जरूर दिखा दी है। वही दिवंगत शहाबुद्दीन जो राजद को खड़ा करने में अपने जान तक गवा बैठे, आज उनके परिवार से उन्होंने किनारा कर लिया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।